नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। अराइज न्यूज यूपी नगर निकाय चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज अराइज न्यूज की टीम पहुंची बलिया जिले के सिकंदरपुर, जहाँ सिकंदरपुर नगर पंचायत से गणेश प्रसाद सोनी चेयरमैन पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। गणेश प्रसाद सोनी इलाके के बड़े समाजसेवी हैं और वो हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। इस चुनाव में उन्हें जन अधिकार पार्टी का भी समर्थन हासिल है। गणेश सोनी कहते हैं कि अगर सिकंदरपुर की जनता ने उन्हें चेयरमैन बनाया तो वो इलाके में विकास की नई कहानी लिखेंगे। उन्होंने सिकंदरपुर नगर पंचायत के विकास के लिए संकल्प पत्र भी जारी किया है। मेरा सौभाग्य है कि जन अधिकार पार्टी द्वारा हमको समर्थन मिला और जन अधिकार पार्टी के मंचासीन पदाधिकारी और अशोक मौर्य जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी सिकंदरपुर विधानसभा के, और आदरणीय साटा वर्मा जी मंडल महासचिव, आदरणीय विश्राम मौर्य जी मंडल उपाध्यक्ष, आदरणीय गुड्डू कुमार मौर्य जी जिला उपाध्यक्ष, आदरणीय विद्यासागर वर्मा जी विधानसभा अध्यक्ष, आदरणीय धीरेन्द्र वर्मा जी नगर अध्यक्ष, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल भचन शर्मा जी, और हम लोग के बड़े भाई और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दिलीप गोर जी, और सिकंदरपुर सहकार संघ के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय मदन सोनी जी, हम लोग के बड़े भाई और प्रतिष्ठित डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर दीना प्रसाद जी, और आए हुए सभी हमारे मीडिया के गढ़, मीडिया के सम्मानित मीडिया गढ़, और सम्मानित आदर्श नगर पंचायत के सभी सम्मानित लोकप्रिय नगरवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और मेरे द्वारा संकल्प पत्र आज पेश किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है। पहला, नगरवासियों के लिए निशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाएगा। दूसरा, नगर पंचायत में 100 वाहन की व्यवस्था किया जाएगा। जो हमारे गरीब के घर अगर मृत्यु हो जाती है तो 100 ले जाने के लिए दिक्कत आती है, उसको कठौरा ले जाने के लिए दिक्कत आती है, उसका व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा किया जाएगा। सभी नगरवासियों को आवश्यकता अनुसार आरओ जल की उपलब्ध किया जाएगा, जो कि हम लोग 20 रुपए का एक बोतल खरीदते हैं, ये निशुल्क दिया जाएगा। के लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था किया जाएगा। पांचवा, राशन कार्ड से वंचित परिवारों को 1 माह के अंदर राशन कार्ड बनवाया जाएगा। नगर के निराश्रित असहाय प्रतिभावान बच्चों को, बच्चों एवं बच्चियों को पढ़ने के एवं शादी की व्यवस्था किया जाएगा। नगर के ई रिक्शा चलाने वाले को जगह जगह चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा। नगर के सभी धार्मिक स्थलों का सुंदरकरण किया जाएगा। नगर के सभी पार्कों एवं तालाबों का सुंदरकरण एवं जीर्णोद्धार किया जाएगा। आदर्श नगर पंचायत को कूड़ा कचरा प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। नगर के आदर्श नगर पंचायत को समुच जल निकासी उचित प्रबंध किया जाएगा। 6 माह के अंदर नगर पंचायत की सभी जर्जर सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यकलाप किया जाएगा। सभी आवास विहीन व्यक्तियों को आवास एवं शौचालय देने की व्यवस्था किया जाएगा। पेयजल की सप्लाई सुबह, दोपहर एवं शायद 3 टाइम किया जाएगा। और आप लोगों ने अगर हमको मौका दिया तो मैं इन संकल्प
पत्र जो मैं अभी पढ़ा इस पे मैं खड़ा उतरूंगा और तुरंत लागू कराऊंगा। और आप लोगों द्वारा जो स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको मिल रहा है, ऐसे ही 11 तारीख तक आप लोगों द्वारा हमको दिया जाए और मेरा चुनाव चिन्ह हथौड़ा पे भारी मतों से आप लोगों द्वारा वोट दिलवाया जाए। आपने क्या देखा या कौन सा कारण बना जिससे कि आपने सिकंदरपुर नगर में निर्दल प्रत्याशी को समर्थन दिया है? जन अधिकार पार्टी सिकंदरपुर नगर में कोई प्रत्याशी नहीं था, प्रत्याशी हम नहीं लड़ा पाए थे, इसलिए कहें सोनी जी को इसलिए हम समर्थन दिए कि ये भारू प्रत्याशी है, ये सिकंदरपुर में 24 घंटा मिलने वाले हैं, नगर के दुख सुख जो भी दुख सुख लोगों के हर लोगों की समस्या के समाधान करने वाले हैं, और ये कर्मठ है, 5 साल मेहनत की लेकिन मेहनत के में ये इनको मिला, मेहनत का फल किसी और को आइए, इसलिए हम लोग जो इनको जो धोखा मिला है इनके साथ हम लोग खड़े हैं, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी खड़ी है। तो क्या यह स्थानीय नेतृत्व का फैसला था या राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व का फैसला था? दरअसल ये प्रदेश नेतृत्व का है, अगर जहाँ हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है जन अधिकार पार्टी, वहाँ से जो निर्दल प्रत्याशी है जो कर्मठ है ईमानदार है और जो कहीं से धोखा खाए हुए हैं उनका हमें साथ देना है। की तरह से अभी सिकंदरपुर के जनता ने आपकी बड़ा आशीर्वाद देकर आपको माला पहनाने का काज करेगी, तो की तरह से सारे बिंदु आप खड़ा उतरने का काम करेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। दरअसल ये हमसे न जानकर आप यहाँ के लोगों से जाने कि क्या 5 साल तक लोगों के बीच में मिले कि नहीं मिले, ये लोगों क्या खड़ा उतरे कि नहीं उतरे, हर यहाँ के लोगों के साथ 10 कदम चलने का काम किया है सोनी जी। की तरह से सर खड़ा उतरने का हमने काम किया यहाँ सिकंदरपुर जनता के लिए, क्या आपने पूरे खड़ा उतरने का काम करेंगे? इसलिए मैं 10-12 साल से लगातार जनता के बीच रह के कार्य किया हूँ और मैं हमेशा जनता के बीच रहूँगा।